क्यों हो गई? अरे भाई क्या बताएं, उधर बड़े जोर की बारिश हो रही है। अच्छा लाओ पेपर दो, टाइम दो, टाइम दो। टाइम थ्री प्रेस। जी मैं लाला खुशहाल चंद। कौन उपेंद्र? बल्ले अब बल्ले, की गल्ले? नहीं अभी तक अखबार नहीं आया। हाँ हाँ आज रेस है ना? टिप? तुम तो जानते हो मैं रेस से कभी जानता नहीं, फिर भी कल किसी ने दो चार टिप दे दिए थे, चाहो तो लिख लो। अड़ियल टट्टू, काला खच्चर, बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, माल गोदाम नहीं लाल लगाम। जय सीताराम। मैंने कहा कौन था फोन पर? मेरे नए दोस्त उपेंद्र, तुम नहीं जानती हो उन्हें। जी लाला खुशहाल चंद का घर यही है। तुम्हारे हो आवेश सुरेश, तुम्हारी पत्नी का फोन। गुजरात मेल। पधारिए आपका टेलीफोन। गुजराती बहू कांता फोन। हेलो कौन छो? मृदुला बेन हूँ कांता। केम छो? ना हजी मारू छापू आवी नथी। सारू नमस्ते। हेलो। बरे बरे थांबा। मुकेश आया बाबूजी। तुम्हारी पत्नी का फोन। पूना एक्सप्रेस टेलीफोन। मराठी बहू ललिता फोन। हेलो कौन शालिनी? हाँ हाँ मी ललिता। नहीं गो वर्तमान पत्र अजून आले नहीं। इश्या गड़े काही तरीच बोलतेस, अब मी केव्हा उठले होते? बर बर बंद करते हाँ। हेलो साधना बहन के लिए। उमेश तुम्हारी पत्नी का फोन। कलकत्ता मेल फोन। अमर फोन। बंगला बहु साधना। हेलो तृप्ति, আমি সাধনা, কেমন আছেন ভাই? হ্যাঁ না পড়িনি এখনো পর্যন্ত, কাগজ আসেনি। আচ্ছা নমস্কার। হে ভগবান ये घर है या अजायब खाना। हेलो हाँ? अरे क्या पटम पटम लगा रखी है, आए ठीक से बात करो ना। क्या मालूम क्या बोल रही है? हेलो अच्छा आप लक्ष्मी की सहेली पटमल बात कर रही हैं? ठहरिए नरेश। क्या हमारी धर्म पत्नी का फोन? मद्रास में आपका टेलीफोन। मद्रासी बहु लक्ष्मी। हेलो यार पट्टम मारा नाम लक्ष्मी ऊर्ले ने बोले इन्ना विशेष हो? ओहो इन्ना दिनमणि पेपर आ इल्ले इन्नु वरविल्ले नान वंदु ने पार्करेन। अच्छा लो भाई गणेश।
क्या हमारी पत्नी की भी बारी आ गई? मेरा टेलीफोन? सिंधी बहू कमला। हाय शीला। हाँ कमला, ना आज जी अखबार अजा कौन आई है भी पूछान थी, शायद अजो असी रेसिस से बचो। चंगा बाय बाय। अब इस घर में एक टेलीफोन से काम न चलेगा, पूरे 6 टेलीफोन होने चाहिए। आज उस बुढ़े अखबार वाले को क्या हुआ, अभी तक नहीं आया? सुनो, शायद वही। क्यों जी बुढ़े भैया आज? 3 बत्ती 4 रास्ता 5 बहु बेटियों वाले पंजाबी लाला जी का घर यही है ना? बेशक। पंजाबी लाला आप? हाँ बिल्कुल। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई मकान ढूंढने में, मेरे बापू बहुत बीमार हैं, इसलिए मुझे को भेज दिया। लीजिए अपने पर्चे। ये अंग्रेजी पर्चा हमारा और ये हिंदी घर भर की माता का, लो बनारसी बहू। तुम्हारे पास मराठी पर्चा भी है कोई? आपकी भाषा मराठी है ना? हे गया मराठी वर्तमान पत्र। अय्या तुम मराठी भी जानती हो? ओहो थोड़े थोड़े। तुम्हें कदाच आ छापू पसंद कर शो। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गुजराती बोलती हो। मुझे आनंद बजा चाहिए। आनंद बजा? बांग्ला पेपर? ऐने बांग्लार छाप जो भालो पात्र का। वाह तुम बांग्ला भी बोल लेती हो। तंगलक तमिल पेपर वेंडे रुकला। अडाडा तुम तो बड़े होशियार हो। हाँ तमिल भाषा जानने के लिए होशियार होना ही चाहिए। आई तही सिंधी आई हो ते मुवट सिंधी अखबार वाह है। हूँ तुम सिंधी भी जानती हो? सिंधी तो बड़ी आसान है। तुम तो गजब की लड़की हो जी, क्या नाम है तुम्हारा? श्यामा। खूब, तुमने इतनी सारी भाषाएं इतनी सी उम्र में कैसे सीखी? जी ये तो साधारण सी बात है, मेरे पिता हैं मद्रासी, मेरी स्वर्गवासी माँ थी बंगालन, मेरी सौतेली माता हैं पंजाबन, मराठी गुजराती तो ऐसे बड़े शहरों में रहने से आ ही जाती है, और लाला जी बाकी रही सिंधी वो ऐनी फैल गई है कि शहर फुलिया नहीं समाउंदा। भाई हद कीती है श्यामा, तेने तो पंजाबी डाडी आउंदी है। अपने भाषाओं भरे घर में ऐसी ही लड़की चाहिए, क्या इसे रख लिया जाए घर के कामकाज के लिए? हाँ बाबूजी, जरूर रख लीजिए। बड़ी होशियार लड़की है बाबूजी। हेलो। नहीं नहीं, ये लाला खुशाल चंद जी का घर है, रॉन्ग नंबर है। भाई कह तो दिया ना रॉन्ग नंबर है, गलत नंबर, खोटो नंबर, चुकी चा नंबर, नंबर टप्पो भूल नंबर। क्यों जी पंचों की क्या राय है? उसे जरूर रख लीजिए बाबूजी, अब अकेले बावर्ची को ही सारा काम करना पड़ता है, अगर उसने भी जवाब दे दिया तो इन श्रीमती इसको होटल की सूझेगी। होटल? कहीं तुम्हारी माँ ने होटल का नाम सुन लिया तो घर भर की खैर नहीं। श्यामा तुम क्या किया करती हो दिन भर? जी मेरा समय तो घर के कामकाज करने में निकल जाता है, कहिए कोई आज्ञा? यही कि अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ भी जगह खाली है, इन बहु बेटियों का हाथ बटा दिया करो, 100 रुपए महीना और खाना। क्यों है मर्जी? मर्जी नेकी और पूछ पूछ, 100 रुपए महीना, ऐसी नौकरी से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुझे मंजूर है बाबूजी, मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ठहरो ठहरो, सबसे बड़ी मंजूरी तो मंजूर तो मुझे भी है, पर इस घर का काम कोई मोती चूर के लड्डू नहीं, लोहे के चने चबाना है लोहे के। आप चिंता न करें माता जी, मैं महीने भर में सब समझ जाऊंगी। महीने भर में? अरे महीने के 30 दिन होते हैं 30, और यहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता कोई। अच्छा श्यामा अब तू जा और कल सुबह आ जाइए, और ये ले अखबारों के हिसाब। बहुत अच्छा, नमस्ते माता जी।
नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, जय जय, नमस्कारम, नमस्कार। आज का ताजा प्रचार टाइम फ्री प्रेस बॉम्बे क्रॉनिकल। हाँ, लोक सत्ता लोक मैं तो ये लेके पर। अरे मेरी साइकिल। हाँ हाँ तेरी साइकिल, मैंने कब कहा मेरी साइकिल, घर पर आकर ले लीजिए। अरे सामा सामा मेरी छोटी मोटी खोटी माँ, पंजाबी माँ, गुलाबी माँ। अरे छोड़, मेरा हाथ छोड़ ली गोरी। आ गई बिटिया। हाँ बापू, आओ माँ तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊं। बापू बापू मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। 100 रुपए महीना, अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। खुशखबरी और तुम खुश नहीं हुए, क्या बात है बापू? बिटिया, मेरे बार बार बीमार पड़ जाने की वजह से आज ये नौबत आ गई कि तुझे नौकरी करनी पड़ी। वारिस नसीब बापू। पर वे हैं कौन लोग? वही पंजाबी लाला जी, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, प्राण प्राण की सुंदर देवियां, भांत भांत की प्यारी बोलियां, सब मिलजुल कर बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। उनकी यहाँ की नौकरी बदनसीबी नहीं, खुश नसीबी समझो बापू। नौकरी फिर नौकरी है बिटिया, और फिर तुझे उसकी जरूरत ही क्या? अब तो तू रेडियो कलाकार है, लोगों को तेरा गाना भी पसंद है। रेडियो दे काम दा की भरोसा, मिलिया ना मिलिया वो भी महीने में एक कद्दी वरी, तो उसका देते भी क्या है सुखे 25 रुपये। 25 रुपये सही, पर उस काम में इज्जत है, शोहरत है। मैं रेडियो वाला काम छोड़ूंगी थोड़े ही, जब कभी वो बुलाएंगे लाला जी के यहाँ से छुट्टी ले लूंगी। क्यों बापू, ठीक है ना? फिर भी उस नौकरी के लिए तुझे उन्हीं के यहाँ रहना होगा। इतने सारे मर्दों वाले घर में एक जवान और बिन ब्याही। देखो तो, जवान और बिन ब्याही, कौन सी रूप सुंदरी है ये काली कलोटी के देखते ही फिसल पवेगा कोई। माँ तुम तो हमेशा ऐसी बातें क्या करती हो, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी। मैंने तुझे कई बार कहा कि श्यामा को उसके रंग रूप का ताना न दिया कर, अब हमारी वजह से उस बेचारी को नौकरी करनी पड़ी है। मैंने उसके लिए क्या सोचा था और क्या हो गया। तुमने तो यही सोचा था कि पढ़ा लिखा कर ते नाच गाना सिखा कर उसको किसी जज या बैलिस्टर के साथ ब्याह देंगे। हाँ ऐसा ही होता, मगर कारोबार के घाटे और इस जानलेवा रोग के कारण मैं उसे उतनी गुणवान और कलाकार न बना सका जिससे उसकी शक्ल सूरत का ऐब छुप जाता। खबरदार जो फिर उसे ताना दिया। हाँ हाँ मैं क्यों उसे कुछ कहूँ, मैं होती कौन हूँ उसकी, आखिर मैं सौतेली माँ जो ठहरी। श्यामा, अयो श्यामा, तू तो कोई बड़ी भगवान है, आज मेरे और तेरे सारे पेपर बिक गए, ये ले अपने पैसे। तू बड़ा अच्छा है,
हाँ नंदू, हाँ। आज शाम को रेडियो पर मेरा गाना है, चलेगा ना मेरे साथ? क्यों न चलूंगा, और जो न भी चलूं तो डर किस बात का, तुझे कोई उठाकर थोड़े ही ले जाएगा। क्या मतलब? यही कि तुम दिखने में कोई इतनी वो नहीं हो। तो तुम कौन से कृष्ण कन्हैया हो? मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी। अखियाँ है ये रूप की प्यासी, दिल को ढूंढ रहा है दिल, रूप तो बिखरा है दुनिया में, दिल का मिलना है मुश्किल। अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, चाहे कोई चाहे न चाहे मेरी भला, अपने ही दिल से दिल है लगा, कोई चाहे न चाहे, कोई चाहे न चाहे मेरी भला। चांद पे मर कर हाय चकोरा, ओ, 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 चांद पे मर कर हाय चकोरा, छोड़ रहा ओ, रूप का दीवाना परवाना, आग से नाता जोड़ रहा, हुस्न पे मरने वाला आखिर कोई मरा और कोई जला, कोई मरा कोई जला। अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे न चाहे, चाहे न चाहे मेरी भला। दिल तो है मासूम सभी का, दिल तो है मासूम सभी का, धोखा देती है आंखें ओ, भूल के धोखे में कांटों से, तितली की उलझी पाखें, तितली की उलझी पाखें ओ, तितली की उलझी पाखें। रूप तो है कुदरत का जादू, तो है कुदरत का जादू, जिसने देखा और उस पे चला, जिसने देखा उस पे चला। अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे न चाहे, कोई चाहे न चाहे मेरी भला। अपने ही दिल से दिल है लगा, चाहे न चाहे मेरे भला। कोकिला, आज तो तुमने कमाल कर दिया। कुमारी कोकिला, कुमारी कोकिला, ऑटोग्राफ दीजिए। प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए, प्लीज। कुमारी कोकिला आप हैं। लिखाई भी खूब है, गाती भी खूब है, पर बिचारी की शक्ल। अगर शक्ल भी अच्छी होती तो इसके पर लग जाती। कोकिला, परमात्मा ने क्या गला दिया है पर सूरत पे तरस आता है। हर तरह से कोकिला, गला सुरीला और रंग काला। Thank you.
बापू बापू, क्या मैं सचमुच इतनी बदसूरत हूँ कि लोग मेरी हंसी उड़ाएं? क्या बुरी सूरत वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं? बिटिया, अगर जगह न होती तो तुझे रेडियो पर गाने का मौका कैसे मिलता? भगवान ने तुझे जो सुंदरता दी है वो हजारों में एक को भी नसीब नहीं। संगीत की सुंदरता, तेरे मनोहर गायन से लाखों को आनंद मिलता है। लेकिन मुझे क्या मिलता है? बुरी सूरत के ताने। अच्छी बुरी सूरत तो भगवान के हाथ है, पर बुरी सूरत वालों को चाहिए कि अच्छी अच्छी बातों में कमाल हासिल करें और अपने खुददारी से दुनिया वालों का मुंह बंद कर दें। बुरे विचारों से खूबसूरत इंसान बदसूरत बन जाता है और अच्छे विचारों से बदसूरत इंसान खूबसूरत मालूम होता है। क्या समझी? समझ गई बापू, तुम्हारी बातों ने तो मेरे दिल के घाव पर मरहम लगा दिया। बेटी, तू एक गुण सुंदरी है और गुण उस निर्गुण की खास देन है। जा, हमेशा खुश रहा कर, खुशी से खूबसूरती बढ़ती है। तुम कौन? मैं श्यामा, इस घर की नई नौकरानी। अच्छा, तो तुम हो श्यामा? हाँ जी। तुम मुझे मालूम है। खाना तैयार है? नहीं बेटी, आज तो बीमार हूँ, पूरा खाना नहीं बना सका। पूरा खाना? इस घर का तरीका ही अजीब है, पांचों बीवियों के लिए हर एक के प्रांत का खाना अलग और मर्दों के लिए अलग। अभी तक सिर्फ बीवियों का खाना बना है। मिस्त्री काका, क्या देर है? खाना जल्दी लाओ, टाइम हो गया। टाइम हो गया? मिस्त्री काका, तुम परेशान ना हो, मर्दों का खाना रहने दो। रहने दो? हाँ। तो मेरे मुंह पर तवे की कालक, आंखों में मिर्ची, नाक में मसाला, कानों में प्रांत प्रांत की गालियां और सर पर भांत भांत के जूते पड़ने लगेंगे। तुम डरो नहीं मिस्टर काका, मैं सब ठीक कर लूंगी। कहाँ है तुम्हारी वर्दी? अंदर के कमरे में। तुम थाल लगाना शुरू करो। मिस्त्री मिस्त्री, खाना जल्दी, सुनता नहीं। मिस्त्री श्यामा, ओ बेटी श्यामा, श्यामा श्यामा, ले बेटी, 12 थाल तो लग गए, अब तू जाने तेरा काम, मगर देख थालों के बंटवारे में कोई गड़बड़ न कर बैठियो, नहीं तो आफत ही आ जाएगी। और हाँ, सुबह का खाना बाबूजी और माताजी खाया करते हैं डाइनिंग हॉल में, और बाकी सब अपने अपने कमरे में। देख, ये रहा सिंधी खाना, ये गुजराती, ये मद्रासी, ये मराठी। ठहर ठहरो काका, नहीं तो सब अगड़म बगड़म हो जाएगा। सिंधी, गुजराती, मद्रासी, मराठी। ये क्या सॉन्ग रचा है श्यामा जी? क्या कहूँ, बावर्ची बेचारा बीमार पड़ा है, इसलिए मैं ही सुबह से खाना बना रही हूँ। अच्छा, तू खाना बनाना भी जानती है? जी हाँ, मगर आज ज्यादा चीजें नहीं बना सके, सिर्फ बीवियों के खाने तैयार किए हैं। और हमारा खाना? जी नहीं, उसमें तो 4-5 घंटे और लगेंगे। तो अच्छा हुआ, आज मर्दों को भी वही खाना पड़ेगा जो हमारे लिए बना है। हमें तुम्हारे ये अगड़म बगड़म खाने पसंद नहीं। अगड़म बगड़म नहीं, जरा देखिए तो सही, नाना प्रकार के भोजन हैं,
इडली डोसे राम भरोसे भरन बटाटा सौद पराठा सीरा पूरी मीठी चूरी और देखिए चावला भात बांगला भात चटनी कचूमर दही अचार प्याज टोमेटो लच्छे दात रोशो गोला और संदेश इस भोजन में सारा देश क्यों बनारसी बहू कैसी अजीब लड़की है श्यामा ये अपने यहाँ जरूर टिक रहेगी इसने खुश कर लिया है बहू रानियों को अजीब बहू रानियां भी कभी खुश नहीं है किसी से इनके मन में तो अभी तक प्रांतीय विचार घर किए हुए हैं उन्हीं विचारों को दूर करने के लिए श्यामा जैसी लड़की की जरूरत है जो हर एक को उसी की बोली में समझा बुझा सके उनमें मिलाप पैदा कर सके देख लेना सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे जब तक तो मेरा दम ही निकल जाएगा खैर तुम्हारी हट तो पूरी हो गई तुम भी इसे हट कहती हो बनारसी बहू हमारा घर प्रांतों के मिलाप का एक रंगीन चित्र बने यही मेरी जिंदगी का आदर्श रहा है जिस तरह हमारे तुम्हारे ब्याह से पंजाब और उत्तर प्रांत का मिलाप हुआ उसी तरह एक दिन हमारा घर सारे प्रांतों के मेल जोल का नमूना बन जाएगा नमूना जी हाँ नमूना अंदर मट्टी और बाहर चूना आखिर इस मुलम्मे का नतीजा क्या होगा नतीजा अपने देश के लिए एक संस्कृति एक तहजीब आहा श्यामा के क्या कहने आज पहली बार खाना खाते वक्त अपने घर में इतनी शांति है जान पड़ता है अपना घर भारत का शुभ धाम मैंने तुमसे हजार बार कहा मुझे तुम्हारा ये कटमट खाना हर की भारत का शुभ धाम नहीं महाभारत का संग्राम है वो सुनो श्यामा ये क्या हो रहा है आप चिंता न करो मैं सब ठीक किए देती हूँ भाई कमाल है कमाल न जाने इनका झगड़ा कैसे बंद हुआ क्यों श्यामा कहीं तूने जादू तो नहीं किया क्या तुमने घर में तमाशा बना रखा है हर एक को सर पर चढ़ा रखा है भाई मेरी तो क्या तुम्हें बढ़ावे में सोचता है हद करते हो मुझे माफ कीजिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मद्रासी पानी बंगाली पानी मराठी पानी सिंधी पानी गुजराती पानी कहीं भी नहीं मिला अपने यहाँ तो सिर्फ हिंदुस्तानी पानी है खूब खूब अच्छी गई क्यों पंचो तैयार हो दफ्तर जाने को जी हाँ तैयार Thank you.
कौन हो तुम लोग? देखा था नहीं, हम धोबी है। धोबी हो तो आओ भीतर। वन जयराम हम गोम्स। हरिओम। ओम नहीं गोम्स, तुम क्यों नहीं समझता? मास्टर गोम्स पंजाबी लाला का टेलर होटल। ओ तो ऐसा बोलने मांगता, अंदर आने सकता? छेटो शेरवानी, छेटो कुर्ते, छेटो पैजामा, सब छेटो छेटो। बैठो बैठो, सिट डाउन। सिट डाउन नहीं होने सकता, हमारा टाइम अप होता। तुम्हारा टाइम अप होता तो जाने सकता। पहले धोबी फिर दर्जी और अब की बार नाई। जी नाई? हाँ नाई, नाई, नाऊ, नापित, हजाम, बारबर, बराबर हजामत बनाने वाला। यहाँ दाढ़ी मूछ वाले कोई नहीं इस वक्त, कहीं और जाके हजामत बनाओ। हजामत? हजामत बनाने को आया जो नाई, हजामत बनाने की मांगी रजाई, तो हमने उसे ये कहावत सुनाई, धेले की गुड़िया टका सर मुंडाई। वाह क्या कहने हैं मीर साहब। कहाँ गुस्से आते हो, जाओ यहाँ से। सुना नहीं मैंने कहा जाओ? जाते नहीं। ओ माँ। कौन? रमेश आ गया बेटा, कल सुबह का गया अब वापस आया। हाँ माँ, अभी तो कई दिन और कई रातें छापा खाना में गुजारनी पड़ेंगी। माँ मैं जो हिंदी भाषा का शब्दकोश, डिक्शनरी, लुगत बना रहा हूँ ना, उसकी छपाई भी शुरू हो गई, और अब रहा सहा काम मुझे जल्दी खत्म करके छापा खाना में दे देना चाहिए। अच्छा बेटा कुछ खा पी ले। श्यामा इनके खाने का इंतजाम कर। अरे हैरान क्यों खड़ी है? ये अपने सबसे छोटे बाबू हैं, अभी नई नई आई है, खाना खूब पकाती है। मैं तो समझा था सिर्फ हाथ चलाती है। क्या नाम बताया माँ? श्यामा। श्यामा, श्यामा मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगा। जी अच्छा श्यामा जल्दी करो। खाना, भोजन, खुराक, गिजा। आपका खाना। यहाँ रख दो। मुझे मालूम न था कि आप इस घर के सबसे छोटे बाबू हैं। मैं माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी, माफ कर जो माला क्षमा करा क्षमा करूं यन्ने मनी केनो। आप कौन सी जबान में माफी चाहते हैं? क्षमा, ऐसी बड़ी माफी और इतनी सारी भाषाओं में किस लिए? इसलिए कि यहाँ तरह तरह की बोली बोली जाती है, न जाने आप कौन सी भाषा में माफी कबूल करें। माफी की कोई बात नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इतनी जबानें जानती हो। मैं जो हिंदी डिक्शनरी बना रहा हूँ वो एक तरह का देशकोश होगा, जिसमें हर प्रांत की भाषा के अच्छे अच्छे शब्द शामिल करने वाला हूँ। उस काम में शायद
तुम मेरी मदद कर सकोगी। क्यों, तुम्हें कोई संदेह है, कोई रैब है? जी, मुझे शक है। शक? वाह भाई वाह, शक का लफ्ज संदेह और रैब से कहीं आसान है। बस मैं अपने कोश में ऐसे ही आसान शब्दों को पहली जगह दूंगा। ये क्या है? बाष्प रथ विश्राम स्थान। क्या कहा, शाप मत शिवराम स्थान? नहीं नहीं, बाष्प रथ विश्राम स्थान। माथा दुख गया है भगवान, पर इसका मतलब? इसका मतलब है रेलगाड़ियों के आराम करने की जगह, यानी रेलवे स्टेशन। मगर छोटे बाबू, इतना लंबा शब्द कहने में तो गाड़ी अगले स्टेशन पर जा निकलेगी। इसकी जगह सीधा साधा रेलवे स्टेशन ही क्यों ना बोला जाए? जो गुड़ से मरे उसे जहर क्यों दो? मगर श्यामा, रेलवे स्टेशन तो अंग्रेजी का लफ्ज है। अंग्रेजी हुआ तो क्या, आसान तो है। जब रेलवे ही को अपना लिया तो उसका शब्द अपनाने में क्या पाप है? वाह वाह। क्यों श्यामा? कितना सुंदर चित्र है, किसकी तस्वीर है ये? ये तस्वीर मैंने ही बनाई है, भला पहचानो तो कौन होगी? आपके मंगेतर? नहीं, अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो और क्या चाहिए। खैर, ये तो नसीब की बात है। क्यों, आप जैसा पति उसे मिल जाए तो उसी की खुश नसीबे जानो। पर ये है कौन? जानती हो, आजकल रेडियो पे एक नई कलाकार ने गाने का प्रोग्राम देना शुरू किया है, खूब खूब गाती है, उसी की तस्वीर है ये। उसका नाम? कोकिला। कोकिला? हाँ। आपने कभी देखा है उसे? नहीं, मगर अगले इतवार को रेडियो स्टेशन पे उसके गाने का प्रोग्राम है, उस दिन उससे मुलाकात का इरादा है। कहीं ये मुलाकात मायूसी की काली रात से न बदल जाए, कहीं ऐसा न हो ये खूबसूरत ख्वाब ख्वाबे परेशान निकले। लेकिन उसकी आवाज से मुझे यकीन होता है कि वो इस तस्वीर से भी कहीं ज्यादा हसीन और नाजनीन है। मेरा ख्याल मुझे धोखा नहीं दे सकता, अगले इतवार में अब दिन ही कितने हैं, आखिर उसे देख ही लूंगा। उसे देखकर आपका भ्रम न टूट जाए। श्यामा जी आई। देख इस रेडियो पर कितनी गर्द जमी है, इसे हर रोज साफ कर दिया कर। क्या कहूं, इतनी बहू बेटियां हैं इस घर में, पर किसी को नहीं सूझता कि सफाई भी कोई चीज है। हाय हाय, और ये देख, जमाना आगे बढ़ रहा है और हमारा घर 2 महीने पीछे। दुनिया में दिसंबर का महीना आ गया और अपने यहाँ अभी अक्टूबर ही चल रहा है। श्यामा, इस कैलेंडर की तारीख भी हर रोज बदल दिया कर। जी हाँ। ये एक फरेबी सपना है, अगले इतवार को जब वो रेडियो स्टेशन पर तेरी सूरत देखेगा, उस वक्त तेरे इन रंगीन ख्यालों का शीशा पाश पाश हो जाएगा। मैं इस नाजुक शीशे को ठेस न लगने दूंगी। जब वो रेडियो स्टेशन पर मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें टाल दूंगी। 1000 जान से कोशिश करूंगी कि उन पर ये भेद कभी न खुले कि मैं और कोकिला एक हैं। अगर तू इस कोशिश में नाकाम रही तो
जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा। इस वक्त तो मैं अपनी इस अचानक खुशी का मजा ले लूं। हटाओ बहन, ये भी कोई गाना है? आहा, जैसे कि एक तुम्हारे ही प्रांत का संगीत अच्छा है। संगीत ही क्यों, हमारी संस्कृति पर तो सारे देश को नाज है। हमारे महाराष्ट्र में कौन सी कमी है? मराठी तहजीब सारे प्रांतों की तहजीब से बढ़कर है। अजी रहने भी दो, ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि हमारा गुजरात देश सारे प्रांतों में अच्छा है। और हम सिंधियों की सभ्यता और संस्कृति सिंध सागर की लहरों से धुलकर पवित्र हुई। ये क्या झगड़ा हो रहा है, कुछ हम भी तो सुने। रमेश भैया सुनो, और सुनकर इस बात का फैसला करो कि कौन सी प्रांत का संगीत अच्छा है। ये सुनो बंगाली की। बहुत खूब, अभी फैसला किए देते हैं। हमारे दक्षिण के कन्नड़ के संगीत में कुछ और ही बात है। हल्ली गुड़त हरिए अनिली बोलुरिने अनबवर उके दे पत्मिक काति इरिदेन आशिक रंगल हमारे सिंधी गाने की दिलकशी की क्या कहने। सिक में ओ सिक में, सिक में ओ सिक में, सिकिया के किन सिखाए सुहारा, ओ दुख में किन दुखाए भलारा, सुन ताल में जो हीरो हाल में जो पहिंजे अखन में तो के हमारे मराठी लावणी के संगीत की तो कुछ न पूछो। तुळस पूजे तेरे शिवने सुन, तुळस पूजे तेरे शिवने सुन, काहु छेड़ीता काहु छेड़ीता उकात हासुन हासुन, तुळस पूजे तेरे शिवने सुन, फुले वाहु की पदर सावरू ते हसु हो कि त्यावरू
प्राय पुत्ते हसू हो किती आवरू रागविनिया खड़ी पासू रागविनिया खड़ी पासू काहू छेड़ी ताऊ गाज हासून हासून तुळस पूजी तेरे शिमने सुन तुळस पूजी तेरे शिमने सुन। हमारे गुजरात के गरबा गीत पर तो सारा देश दीवाना है, सुनो। छानू रे छपनू छानू रे छपनू छानू रे छपनू कई थाय नहीं थाय नहीं झमके ना झांझर तो झांझर कहवाय नहीं छानू रे छपनू कई थाय नहीं एक घायल ने पायल घायल ने पायल एक घायल ने पायल बेछुप्या छुपाय नहीं झांझर ने संताड़ी राख्यू रखाय नहीं छानू रे छपनू छानू रे छपनू छानू रे छपनू कई थाय नहीं। अरे छोड़ो भी हमारे बनारस का देहाती गीत सुनोगी तो दंग रह जाओगी। ये सास ससुर का घर वह बहुत यहाँ सास ससुर का घर वह यहाँ चली है न तेरा न घर वह बहुत यहाँ चली है न तेरा न घर वह हो भोर भय तू चक्की चलावे हो चक्की चलावे हो चक्की चलावे हो चक्की चलावे फिर जाए या चली है न तेरा न खरवा बहुत या चली है न तेरा न खरवा ये सास ससुर का खरवा। अच्छा तो अब पंजाबी गीत भी सुनिए मुकाबले के गरज से नहीं मतलब के लिहाज से। सुन सुन बेलिया सुन सुन बेलिया पाके पिंग प्रीतां वाली लईए प्रेम हुलारे बूंदा वांगू मिलके बनिए दरियावां दे तारे ओए साडी शान जमाना वेखे ओए साडी शान जमाना वेखे ते होवे बलिहारे इको चन दियां रिश्मा बनिए एक अंबर दे तारे बेलिया एक अंबर दे तारे हो सुन सुन वो बेलिया। वाह 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 सभी का संगीत अच्छा वो सबका ढंग निराला और अंदाज अनोखा है पर हैं तो सभी अपने इन्हें जुदा जुदा प्रांतों का नाम क्यों दिया जाए इसे अपने देश का संगीत कहना चाहिए भारत का संगीत कहना चाहिए। शाबाश बेटे ठीक है। 8 बज गए। रमेश कहाँ चले? माताजी मुझे कहीं काम है किसी से मिलना है। इसने तो वक्त बेवक्त बाहर आना जाना शुरू कर दिया है अब इसकी कहीं शादी कर देनी चाहिए। माता जी हमारे ध्यान में एक लड़की है जो हम सबको बहुत पसंद है। ना भाई इसके लिए तो मेरी अपनी पसंद की बहू आएगी क्यों रमेश? माता जी आप कोई चिंता ना करें मुझे इस घर के आदर्श का पूरा ख्याल है। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसमें सारे प्रांतों की खूबियां भरी हों। अच्छा तो मालूम होता तूने कोई लड़की देखी है? नहीं देखी तो नहीं देखने की आरजू है। कौन है वो क्या नाम है उसका? उसका नाम कुमारी कोकिला। ये मनोहर गीत आप कुमारी कोकिला से सुन रहे थे। इस शहर के मशहूर लेखक और चित्रकार रमेश चंद्र जी आपसे मिलना चाहते हैं। रमेश बाबू माफ कीजिएगा आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं उनसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। नंदू तू भाग के टैक्सी तो ले आ मैं दूसरे दरवाजे पर रहूंगी। अच्छा माँ
माफ कीजिएगा, कोकिला की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे फिर कभी मिलेगी। कोकिला, तुम अच्छे मोटर वाले हो, तुम्हें किसी औरत का इस तरह पीछा करते शर्म नहीं आती? माफ कीजिए, मैं गलत समझा। क्या मरने का इरादा है? आखिर देख लिया ना अपनी ख्याली रूप सुंदरी को। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा भ्रम न टूट जाए कहीं। क्यों टूट गया ना वो सुंदर सपना? Thank you.
ठहरो श्यामा। ये किसी की तस्वीर के टुकड़े नहीं, मेरे अरमानों के टुकड़े हैं। इन्हें रास्ते में ना फेंको, यहीं रहने दो। श्यामा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे कल के बर्ताव से तुम्हारे दिल पे सदमा पहुंचा है। मुझ जैसी लड़की के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि मेरी और आपकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आपको तो कोई ऐसी लड़की पसंद करनी चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो और जिसकी तबीयत में तेजी, मिजाज में मस्ती, बातचीत में शोखी भरी हो और जो पहली ही मुलाकात में आपसे बेतकल्लुफ होकर पूछे, हेलो डार्लिंग, हाउ डू यू डू, हेलो एवरीबॉडी, ललिता, कांता, कमला, साधना, लक्ष्मी, कैसे हो तुम सब? तुमसे कोई तुम्हारे घर आकर मिले तो मिले, बाहर आने जाने की तो शायद तुम्हें इजाजत ही नहीं। न क्लब, न होटल, न पिकनिक, न पार्टी, क्या जिंदगी है तुम्हारी। किस्मत ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जवानी, खूबसूरती, दौलत, सेहत, मगर ये सब कुछ भी नहीं जब तक शोहरत ना हो। जरा घर से बाहर निकलना सीखो, शमे मजार ना बनो, शमे महफिल बनो, समाधि के टिमटिमाते हुए दियो की तरह नहीं बल्कि मजलिस के जगमगाते हुए चिरागों की तरह अपनी चमक दमक दिखाओ, अपने हुस्न शबाब की चर्चा होने दो। आज जमाना ही अच्छी सूरत वालों का है। ओह माय गॉड, ये कौन? हमारी नई नौकरानी। कितनी काली और बदसूरत है। जा श्यामा, आपके लिए कुछ पीने को ले आ। जी। ओह माय गॉड, व्हाट ए हैंडसम मैन, कितना बांका जवान है। कमला, ये फोटो किसका है? मेरे छोटे देवर रमेश बाबू का। बड़े अच्छे कवि, चित्रकार और लेखक हैं। बहुत जल्द उन्हें सरकार से इज्जत हासिल होगी, इनाम मिलेगा जिससे वो देश भर में मशहूर हो जाएंगे। हो, उनसे जरूर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अभी बुला लाती हूँ उन्हें। वाह, एक से एक बढ़कर। ये तो खूबसूरती का महल है। जब ही तो बुरी नजरों से बचने को एक बदशकल नौकरानी रखी गई है। रूपा, आप हैं रमेश चंद। हेलो, हाउ डू यू डू। नमस्ते। कितना अच्छा म्यूजिक है जी। आप डांसिंग जानते हैं ना? जी हाँ, कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम सब जानता हूँ, सिर्फ देखना जानता हूँ। ओ नो नो, वो सब गंवार लोग का डांस है, मेरा मतलब बॉलरूम डांसिंग से है। जी, कभी मौका नहीं मिला और ना ही इरादा है। तब तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी आप पर हंसेगी। डांस करना तो बहुत आसान है, कमाल। इस खूबसूरत दुनिया में बुरी सूरत वाले क्यों? अगर बुरी सूरत वाले न होते तो अच्छी सूरत वालों को कौन पूछता? मालिकों की बात में नौकरों को बोलने का कोई हक नहीं। नौकरों ही से आप लोग मालिक कहलाते हैं। नॉनसेंस, मैं अपने से छोटों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। देखना कहीं मुंह लगाने में लिपस्टिक से बनाए हुए होठों का लाल रंग ना बिगड़ जाए। शट अप यू ब्लैक विच, काली भूतनी, तुम्हें घमंड किस बात का अपनी काली सूरत का? काली सूरत मगर असली तो है, तुम्हारी जैसी बनावटी तो नहीं। छोटी पलके, पेंट पाउडर से रंगे हुए बाल और गाल, बनावटी सजधज, छोटी शान, चली जाओ इस तरह से। श्यामा, श्यामा, तूने घर आए हुए मेहमान का अपमान कर दिया। इस तरह किसी को बेइज्जत नहीं किया करते। रमेश बाबू, आपको इज्जत के ठीक माने मालूम नहीं। इज्जत का अर्थ आपको धन दौलत की डिक्शनरी में नहीं बल्कि इंसानियत और शराफत के शब्दकोश में मिलेगा। उसकी इज्जत के मारे तो आप सब तलमला उठे, लेकिन मेरी इज्जत का किसी को ख्याल ना आया।
अरे तुम हमारे घर से जा रही हो क्या? जिस घर में गरीब की इज्जत न हो उस घर में रहना बेकार है। नहीं नहीं श्यामा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। रमेश बाबू, किसी की सुनहरी कलाई थामिए जाकर इन कांच की चूड़ियों पर हाथ डालने का आपको कोई अधिकार नहीं। रास्ता छोड़ दीजिए। मेरी इतनी इंसल्ट, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर ली इतनी बड़ी बेइज्जती। मैं नहायत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ रूपा देवी, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या बताऊँ आपको अपने दिल की हालत। तो क्या तुम्हारे दिल की भी वही हालत है जो मेरी? सच? क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे? ओ माय रमेश, माय डियर रमेश, ना जाने मुझे क्या हो गया। मुझे खुद भी पता नहीं। That's right. दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ना जाने मैं क्या कह रही हूँ, मेरी तबीयत किधर है, मैं कहाँ हूँ रमेश? मेरे घर में। Wonderful रमेश, रमेश। हाँ? ऐसा सुनहरा मौका और वक्त कब मिलेगा? अपनी घड़ी देखिए जरा। Oh my God. अब मैं क्या करूं? अपने घर तशरीफ ले जाइए। जाऊं? हाँ। कैसे जाऊं डियर? मोटर में। आपकी मोटर ना हो तो मेरी गाड़ी ले जाइए रूपा देवी। मुझे रूपा देवी ना कहो, डार्लिंग कहो रमेश। हाँ। कहो ना, कहते क्यों नहीं डार्लिंग? डार्जिलिंग, डार्लिंग, लाल रिंग, डार्लिंग। यस डार्लिंग, मैं तुमसे मिलने कल जरूर आऊंगी। अच्छा, हैप्पी ड्रीम्स। टाटा टाटा टाटा। कांता कमला साधना लक्ष्मी, बाय बाय एवरीबॉडी। श्यामा, छुट्टी लेके आई है क्या? हमेशा के लिए छुट्टी बापू, मैंने नौकरी छोड़ दी, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी वहाँ। अच्छा किया बिटिया, बेइज्जती की रोटियों से भूखो मरना अच्छा। आखिर बात क्या हुई? जो हमेशा हुआ करती है, बहुरानियों की एक सहेली ने मुझे काली भूतनी कह दिया। बापू, क्या मुझे सारी उम्र यही सुनना पड़ेगा? अब इसका एक ही इलाज है और वो होना ही चाहिए। अब तेरा ब्याह कर दिया जाए कहीं। मेरा ब्याह? बापू, मुझसे ब्याह कौन करेगा? पगली, भगवान के न्याय से कभी निराश न होना चाहिए। हर किसी के लिए, चाहे बुरी हो या भली, कोई ना कोई मर्द कहीं ना कहीं होता ही है। जो उसे प्रेम करता है, उससे ब्याहता है,
उससे घर बसाता है। इस तरह तेरे लेख में भी कोई न कोई मर्द कहीं न कहीं मौजूद है जो आप से आप तेरे जीवन में आ जाएगा। बापू। क्यों क्यों, कहो कहो। एक ऐसा कोई मेरे जीवन में भी आया है जिसने मेरी जिंदगी में इंकलाब तो पैदा कर दिया है, मगर मगर क्या, कौन है वो? वो हैं पंजाबी लाला जी के सबसे छोटे बाबू। क्या कहा, इतने बड़े घर का लड़का, मगर तेरे और उसके दरमियान तो जमीन आसमान का फासला है। तूने क्या पहाड़ से टक्कर लेने की ठानी है? लेकिन बापू, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूचाल आने से बड़े बड़े पहाड़ ऊंचाई से गिरकर मैदानों से आ मिलते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे प्रेम से उसके दिल में ऐसा सलसला आए जो मुझको उससे एक कर दे? ये तुझे कहां की हवा लग गई जो अब तो हवा को गिरा में बांधने चली, बिना पंख ओढ़ने का जतन न कर बिटिया, महलों के सपने न देख, अपनी झोंपड़ी पर नजर डाल। तुझे तो किसी अच्छे से गरीब लड़के से ब्याह की फिक्र करनी चाहिए। मगर बापू, प्रेम प्रेम और मोहब्बत तो अमीरों के चोचले हैं बेटी। लेकिन बापू, गरीबों के भी दिल होता है। होता क्यों नहीं, पर एक गरीब के दिल में उसकी हद और मजाल से बढ़कर ऐसी ख्वाहिश न होनी चाहिए जिससे उसकी जिंदगी दुभर हो जाए। मैं तो यही कहूंगा बेटी, तेरा प्रेम मृग जल की तरह एक धोखा है, उस धोखे से बच और छोटे बाबू की मोहब्बत का ख्याल दिल से निकाल दे। मैंने कहा कौन है? जा बिटिया, अभी माँ से न कहियो कि तूने नौकरी छोड़ दी। मेरे ख्याल ने धोखा खाया, मुझे आज मालूम हुआ कि कोकिला की इस ख्याली खूबसूरती से तू कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इस चित्र में सिर्फ शरीर की सुंदरता है, मगर घर छोड़ते वक्त जो तेरे चेहरे की कैफियत थी उसके सामने ये कुछ भी नहीं। उसमें आन और आबरू की चमक और खुददारी की झलक लहक रही थी। अब रंग नया लाती है तस्वीर किसी की, आंखों में खुबी जाती है तस्वीर किसी की, दम खींच के देखा किए हम तेज भरी शक्ल, बिखरी हुई जुल्फें थी के जंजीर किसी की, भीगी हुई पलकें थी भवें खिंची तनी थी, खुददारी का आलम था या शमशीर किसी की। घर दिल में किया और चले घर से निकलकर, आबाद थी बर्बाद है तामीर किसी की। हेलो डार्लिंग,
नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। ये आपको बीमारी कब से है? बीमारी? जी हाँ, डार्लिंग कहने की। रमेश, मेरी मोहब्बत की हंसी उड़ा रहे हो, ये कहाँ की इंसानियत है? माना कि मुझ में इंसानियत नहीं, मगर तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम में हिंदुस्तानियत नहीं। हिंदुस्तानियत? हाँ, शर्म हया, लाज लिहाज, गैरत शराफत, इन खूबियों का नाम है हिंदुस्तानियत, जो तुमसे कोसों दूर है। तुम कितने संगदिल हो। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत ना होती तो ऐसा सलूक बर्दाश्त कभी ना करते। अभी तो माफ कीजिए। आज तू नौकरी पर नहीं गई? मेरी नौकरी जाती रही नंदू। मुझे पहले ही डर था। खैर कोई चिंता न कर, और तुझे नौकरी करने की जरूरत क्या है? अब मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है और अखबार वाले साहब ने मुझे एजेंसी देने का वादा भी किया है। इससे हम काफी रुपया जोड़ेंगे, ब्याह करेंगे, घर बसाएंगे। क्यों श्यामा, क्या सलाह है? इन बातों का ख्याल छोड़ दे। हम दोनों जिस तरह बचपन से अब तक एक दूसरे से बर्ताव करते आए हैं वैसे ही निभाए जाएं। शादी ब्याह के बाद दिल से निकाल दे। अच्छा, तो क्या तेरे दिल में किसी और का ख्याल है? हो सकता है। क्यों भाई, कोई? कोई नहीं, बहुत से पेपर। आज का ताजा अखबार। आपको कौन सा पर्चा चाहिए? पर्चा नहीं, मुझे पता चाहिए। रेडियो वाली कोकिला कहाँ रहती है? कोकिला? हाँ हाँ। जाओ भाई जाओ, इस मोहल्ले में न कोई कोकिला है, न बुलबुल, न तोता, न मैना। जाओ, मुझे देर होती है। आज का ताजा पर्चा। रहने दो रहने दो। थैंक यू। उस मोटर वाले साहब को जानते हो? नहीं तो? तो फिर यहाँ क्या लेने आया था? श्यामा का पता पूछता था सौदाई। श्यामा? हाँ, अपनी श्यामा, वही जो कोकिला के नाम से रेडियो पर गाती है। हाँ, अब आया मेरे ध्यान में, शायद वो मोटर वाला भी उसकी आवाज का मारा आवारा है कोई। तो क्या उस श्यामा की आवाज इतनी अच्छी है? और नहीं तो क्या, बाकी क्या रखा है बिचारी काली कलूटी में। मुझे ऐसा लगता है उसी मोटर वाले के कारण श्यामा मुझे ठुकरा रही है। तो क्या तुम्हें श्यामा से प्रेम है? प्रेम और मोहब्बत तो नाटक और सिनेमा वाले जाने, मैं तो सीधा साधा ब्याह करना चाहता हूँ उससे। तो फिर रुकावट क्या है? उसकी आवाज और उसकी आवाज का प्रेमी वो मोटर वाला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदू। तुम यहीं रहते हो ना? जी। मैं फिर तुमसे पेपर लेने आऊंगी। इश्क, प्रीत, प्यार, हाँ प्यार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार। तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार। हम जानते हैं प्यार में होता नहीं विश्वास, विश्वास यकीन नहीं, एतबार। हाँ, हाँ।
हम जानते हैं प्यार में होता नहीं एतबार, तुमसे है प्यार मुझे तुमसे है प्यार। आज है रविवार, इतवार इतवार गया, सोमवार गया, मंगल गया, बुधवार गया, बीत गए दिन चार, हो न सके दीदार। ये तो बता दो मेरे सर की कसम, क्या तुम भी हो बेचैन? बेचैन नहीं बेकरार, क्या तुम भी हो बेकरार? बेकरार तुमसे है प्यार मुझे तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे तुमसे है प्यार। हम न थकेंगे लिखते लिखते, तुम थक जाओ पढ़ते पढ़ते, छुपे हुए हैं मेरे कलम में सौ सौ बोल मुहब्बत के, और दिल में है उद्गार, उद्गार नहीं अरमान, और दिल में है अरमान हजार, अरमा हजार, तुमसे है प्यार मुझे तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे तुमसे है प्यार। कोकिला, कल फिर तुम्हारा प्रोग्राम है, आज ही के टाइम पर, याद है ना? और हाँ, कल मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी खबर सुनाऊंगी, ये लो, तुम्हारे कुछ खत आए पड़े हैं कई दिनों से। रमेश बाबू के पत्र, एक छोड़कर जहाँ जाए प्रेम पत्र। खत मिले तुम्हें? मिले। इस किस्म की दिलकी आपको शोभा नहीं देती, किसी बेबस की हंसी उड़ाना बड़ी निष्ठुरता है। ऐसी बातों से मेरी दुखी रग पे नश्तर ना चलाओ श्यामा, मेरे प्रेम पर विश्वास करो। तुम्हें तो शब्दों के हेर फेर से मतलब है, तुम प्रेम और मोहब्बत क्या जाने। श्यामा, मैं शायर जरूर हूँ, लेकिन कोई आवारा नहीं कि अपनी सच्ची भावनाओं को झूठे कागजों पर बखेरता फिरूं। श्यामा, तुम इतनी समझदार होने पर भी मुझे अभी तक नहीं समझी। तुम्हें तो समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम के दावे को नहीं समझी कि मुझसे काली बदशक्ल और गरीब लड़की से तुम्हें मोहब्बत क्यों है। मोहब्बत रंग रूप धन दौलत नहीं देखती श्यामा, सच्चे प्रेम की नजर भाव पर नहीं बर्ताव पर पड़ती है। सच्ची मोहब्बत
बनाव सिंगार की झूठी झलक को नहीं देखती, नेकी और खूबी की ताजा बहार को देखती। मेरे प्रेम को शब्दों की लिखाई में नहीं, मेरे दिल की गहराई में देखो। श्यामा, मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ, तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे हर इशारे को जान सकूं, तुम्हारे इरादों को पहचान सकूं, तुम्हारे दिल की धड़कन को सुन सकूं। रमेश, मुझे तुम्हारी बातों से डर लगता है, कहीं तुम मेरे सीधेपन से फायदा तो नहीं उठाना चाहते, कहीं मेरी जवानी से तो नहीं खेलना चाहते। श्यामा, इस किस्म का शक लाना भी तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुम मेरा ही नहीं बल्कि अपना भी अपमान कर रही हो। मैं कोई गिरा हुआ नीच इंसान या पशु नहीं। मेरे लिए तुम्हारे दिल में ऐसा शक, क्या जमाने की बुरी हवा तुम्हें भी छूने लगी? श्यामा, तुम अकलमंद हो, अकल से काम लो, होशमंद हो, होश में आओ। मैं तुम्हें बहकाने या फुसलाने नहीं आया, तुम्हें अपनाने आया हूँ। मेरे सच्चे प्रेम की हंसी ना उड़ाओ, मोहब्बत के अनमोल मोतियों को शक की धूल में ना मिलाओ। होनी को अनहोनी ना होने दो। वो सुनो, आरती का समय हो गया। श्यामा, आओ, हम तुम भी मन मंदिर के पुजारियों की तरह अपने आप को एक दूसरे पे निछावर कर दें। क्या सोच रही हो श्यामा? मैं प्रेम के बारे में सुना करती थी कि प्रेम में एक अजीब कसक हुआ करती है, मगर मुझे कभी इस बात का सपना भी ना आया था कि वो कसक एक दिन मुझ बदनसीब को भी नसीब होगी, आज मुझे भी। रमेश, मुझे आज भगवान ने औरत के दिल की सबसे बड़ी मांग दान दी है। ऐसा जान पड़ता है जैसे खुशियों के सुहाग ने मेरी मांग भर दी हो। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। क्या यही है वो दांव जिसमें हया का है सरूर, क्या यही है वो नशा जिसमें हजार दिल है चूर, क्या यही जो दिल में रह कर भी है दिल से दूर दूर, क्या इसके जोत से फैला वीराने में नूर। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। यही है वो निगाह जिस पर फिदा अंदाज है, क्या यही है वो सदा जिस पर वफा को नाज है, क्या यही रसीले गीतों का सुरीला साज है, क्या दुनिया की खुशियों का ये सुहाना राज है। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो।
श्यामा, कुदरत ने खूबसूरती के सारे खजाने तुम्हारी दिलकश आवाज में भर दिए हैं। दुनिया भर की सुंदरता एक तरफ और तुम्हारी मीठी आवाज एक तरफ। रमेश, कहीं तुमने अभी अभी भगवान को साक्षी मानकर मेरी आवाज के लिए तुम उससे प्रेम का वचन नहीं दिया? वचन? वचन का मैंने रमेश, वचन, वचन, वादा, कौल, इकरार, अहद। और श्यामा? श्यामा के मैंने? नादान, अनजान, अल्हड़, अनाड़ी, नासमझ। बापू, बापू, वो आए थे। कौन? रेडियो वाले? नहीं बापू, तीन बत्ती, चार रास्ता, पांच बहु बेटियों वाले पंजाबी लाला। उनके सबसे छोटे बेटे रमेश बाबू। वो सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं। आज मैं बड़ी खुश हूँ बापू। और हाँ, कल फिर मेरा रेडियो पर गाने का प्रोग्राम है। कल तो मैं बहुत ही अच्छा गाना गाऊंगी। मिलन की रूपा देवी, क्या आवाज पाई है श्यामा ने। यही वो आवाज है जो मेरे और उसके बीच दीवार बन रही है। मैं उस दीवार को गिराने के लिए एक मसाला ले आई हूँ। तुम इसे चाय में घोलकर श्यामा को पिला देना। इसके पीते ही उसकी आवाज बैठ जाएगी और फिर श्यामा तुम्हारी और वो मोटर वाले साहब तुम्हारे है? पर तुम्हें कैसे मालूम? जी वाह, मोटर का इंजन चले और आवाज पैदा ना हो। ये लो वो दवा, इसे चाय में घोलकर श्यामा को पिला देना। 5 मिनट के अंदर ही अंदर उसका गला खराब हो जाएगा। सिर्फ गला ही खराब हो जाएगा ना, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं। बिल्कुल नहीं, ये काम कल तक कर डालो। मैं कल रात को तुम्हें यहाँ आकर मिलूंगी। ये लो। ओहो, आज तो तुम बड़ी खुश-खुश और खूबसूरत नजर आ रही हो कोकिला। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। और जो हमारी बात सुनोगे तो ज्यादा खुश हो जाओगे। सुनो तो, स्टेशन डायरेक्टर साहब ने मंजूरी दे दी है कि आज से तुम्हारे दो दो प्रोग्राम हुआ करो हर हफ्ते। सच? हाँ, ये देखो सरकारी चिट्ठी। मुबारक हो कोकिला, अब मुंह मीठा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नंदू, तुम बाहर होटल में जाकर जल्दी चाय का इंतजाम करो, हम अभी उधर आती हैं। हाँ। नंदू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? ठीक है, ठीक है। तो फिर तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? नहीं तो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नंदू, तुम भी चाय पी लो।
नंदू, मैंने जो कहा तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, तुम फौरन घर चले जाओ। मैं प्रोग्राम खत्म होते ही अपने आप घर चली आऊंगी। जाओ। चलो कोकिला, टाइम हो गया। मिस्त्री जी कहाँ है सब? छोटे बाबू, वो तो बाबू नवल किशोर के यहाँ शादी पर गए हैं। इस वक्त कुमारी कोकिला आपको एक मनोहर गीत सुनाएंगी, जिसके बोल हैं पिया मिलन की आस। कुमारी कोकिला। यह सुनकर अफसोस होगा कि कुमारी कोकिला की आवाज अचानक खराब हो जाने से हमें यह प्रोग्राम बदलना पड़ता है। वो हमारा रेडियो स्टेशन, चलो जल्दी। श्यामा, श्यामा, ओ आप कहाँ चले? मुझे कहीं जाना है जल्दी। आपकी मोटर है क्या? हाँ? हमारे पास इस वक्त गाड़ी नहीं कोई। चलिए मैं पहुंचा दूं। शुक्रिया। ये रहा वो आदमी, इसी ने चाय में दवा मिलाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। पकड़ लो इसे। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं स्टेशन डायरेक्टर साहब, बहुत जल्द होश में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, इस बेचारे की आवाज हमेशा के लिए? हाँ, इसका फिलहाल तो कोई उपाय नहीं, कम से कम गाने के लायक तो नहीं रही। वो दवा तुम कहाँ से लाए थे बोलो? जी जी, मुझे एक औरत ने दी थी। हाँ। औरत ने? हाँ। कौन है वो? जी, उसका नाम रूपा देवी है। कहाँ रहती है वो? मुझे उसका ठिकाना तो मालूम नहीं, पर वो मुझसे मिलने वाली है आज। कहाँ? मेरे यहाँ। किस वक्त? थोड़ी देर में। ले चलो इसे। बस यहाँ रोक लीजिए। तुम्हें यही उतरना था? रमेश बाबू। कहिए डॉक्टर साहब, श्यामा कैसी है? उनके गले की नसें फूल गई हैं, इसी वजह से उनकी आवाज खराब हो गई है। क्या उसकी आवाज हमेशा के लिए बिगड़ गई है डॉक्टर साहब? हाँ, इस वक्त तो यही दिखाई पड़ता है। मैं जाते ही दवाइयाँ भिजवा देता हूँ, उनका इस्तेमाल बराबर ठीक तरह से कीजिए। आगे भगवान के मर्जी। नमस्ते। नमस्ते। बहकी बहकी बातें ना करो श्यामा, मेरी नजरों में अब भी तुम वैसी हो जैसे पहले थी। तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ जो इसका नतीजा होगा। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इसका नतीजा वही होगा जो होना चाहिए, हमारा ब्याह। मेरे साथ अब शादी ब्याह की बात भूल जा। ऐसी बातें ना करो श्यामा। रमेश, तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है, ना कि जी के जंजाल की। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ना सुख ना आराम,
पगली, मुझे प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। वो प्यार भी अब कांटों पर आ रहे रमेश। इस वक्त मेरी दशा एक बेजबान और पेपर की बुलबुल किसी है, जो न रह सके, न रो सके, न गा सके, न उड़ सके। मुझे बुलबुल नहीं चाहिए, मुझे श्यामा चाहिए। वो मेरे दिल में रहेगी। मुझे उसका रोना नहीं चाहिए, हंसी चाहिए। मैं उसे गा के सुनाया करूंगा। उसे गाने की कोई जरूरत नहीं। उड़ नहीं सकती तो और भी अच्छा है, मुझे उड़न पंछी तो पसंद ही नहीं। मेरी बात हंसी में न उड़ाओ रमेश। तुम्हारा विचार एक ऐसा दिल लुभाने वाला ख्याल है जिसकी आशा रखना बेकार है। बेकार क्यों? मैं अभी जाके अपने पिताजी से बात पक्की कर लेता हूँ। जैसा कि मैं पिताजी को जानता हूँ, वो यहाँ आकर अपने साथ ले जाएंगे मेरी श्यामा को, अपने होने वाली बहू को, उसके होने वाले पति के घर। तुम तो जानती हो ना उस घर का पता, 3 बत्ती 4 रास्ता 5 नहीं 6 बहू बेटियों वाले लाला जी के घर। ये तो बेहोश है, ले चलो इसे पुलिस हॉस्पिटल। ओ अरे मारे, अरे बाप रे, अब मुझसे काम नहीं होगा। अब आएगा, ये कैसी मुसीबत। अयो मैं तो हार गई। फतिया अच्छे, किसी अच्छी नौकरानी के बगैर गुजारा नहीं होगा। मगर अच्छी नौकरानी की कोई कदर जाने तो ना, अच्छी भली श्यामा को तो। फिर वही श्यामा की बात, एक वही रह गई है दुनिया में। यहाँ नौकरों की एजेंसी का एक नया दफ्तर खुला है, वहाँ हर तरह के नौकर मिलते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करके श्यामा से भी अच्छी नौकरानी बुलवाई लेती हूँ। हेलो, आप नौकरों की एजेंसी से बोल रहे हैं? हम लाला खुशालचंद की यहाँ से बात कर रहे हैं। जी, हमें एक नौकरानी की सख्त जरूरत है, किसी उम्र की हो मगर जबानदान हो। जी नहीं, पानदान नहीं, जबानदान। हेलो, जबानदान, जो जबाने जानती हो, मराठी, गुजराती, बंगाली, सिंधी, पंजाबी और तमिल। क्या कहा? ऐसी नौकरानी का मिलना बहुत मुश्किल है। तू तेरी की, ये तो कोई बोगस एजेंसी मालूम होती है। देखिए, अच्छा देख नहीं सकते तो सुनिए, हमें सारी भाषाएं जानने वाली एक ही नौकरानी चाहिए। क्या कहा? क्या 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 कहा? अलग अलग भाषा जानने वाली 5? अब 5ों को भेज देंगे। अच्छा तो यूं ही सही, जल्द टैक्सी में। क्या? हाँ हाँ, टैक्सी का किराया दे दिया जाएगा। हाँ साहब, खाला लुसालचंद, लुसालचंद। क्या कहा? जरा ठीक, लाला खुशालचंद का मकान यही है? जी हाँ, आपकी घबराहट का सबक, आपकी तारीफ। क्या मेरी घबराहट, क्या मेरी तारीफ। मैं अपनी नौकरानियों से एजेंसी लेकर आया हूँ। नौकरानियों से एजेंसी लेकर आया हूँ? मेरा मतलब है अपनी एजेंसी से नौकरानियां लेकर आया।
चलिए अंदर। हाँ साहब लाइए, 5 टैक्सियों का किराया 2 औरतों में। मेरा मतलब है 2 औरतों में 5 टैक्सी। जरा ठहरी साहब। हाँ साहब 2 टैक्सियों का दिलवाइए जिनमें 5 एजेंसियां हमारी औरतों से आई। तुम्हारा असली मतलब है कि तुम्हारी एजेंसियों की 5 औरतों के लिए 2 टैक्सियों का किराया। ठीक, बिल्कुल ठीक। फायदे की आदमी का लिखा पड़ा यही तो है। तुम्हारा मतलब है कि पढ़े लिखे आदमी का यही तो फायदा है। हाँ, बराबर। जरा ठहरो। मुझे तो इन 5 में मराठी नौकरानी पसंद है। आहा हा, लई होशियार है। मारा माइती आई तो मराठी छे, तेता साडी तुला मराठी नौकरानी पाई जे। मुझे तो गुजराती नौकरानी पसंद। आहा हा हा, मैंने गुजराती नौकरानी पसंद नथी। मुझे तो बंगाली नौकरानी चाहिए। हां आहा, तो मखे बांग्ला चक्रानी खपे। मुझे तो सबसे ज्यादा सिंधन पसंद है। मखे खबर है उनके सिंधी नौकरानी चो खपे। मुझे तो तमिल नौकरानी चाहिए। अजी मैंने कहा तुम सारी नौकरानियां रखोगी पर पैसे तो हम ही को देना है। तुम सभी तो यही चाहोगी कि 5 के लिए 5 नौकरानियां हो। हुआ करे, इसमें हमारा क्या दोष? दोष यही कि अगर ऐसी ही मंशा थी तुम सबकी तो अपने अपने मायके से एक एक नौकरानी भी साथ साथ लाई होती। बिल्कुल ठीक। अभी इन 5 के लिए घर का घर किराए पर लेना पड़ेगा। उस पर इनकी तनख्वाहें, इनका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, नहीं हरगिज नहीं। चलो जी निकलो यहाँ से। हमें हमारे एक दिन की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारे पैसा डाल दो गिनकर। एक दिन का पगार? हाँ बहनों, इनसे भी लेंगे और उन एजेंसी वाले से भी। बेशक हम अपना हाथ लड़कर ही लेंगे, न तो सत्याग्रह करेंगे। शाबाश भारत की वीर सुपुत्रियों, आओ चलो मेरे साथ। लेफ्ट राइट लेफ्ट। भला हम कोई नौकरानियां हैं जो बिना नौकरानी के रहे और अपना काम अपने हाथों से करें? इससे तो यही अच्छा कि किसी होटल में जाकर रहे। हम क्यों पीछे रहे, हम भी किसी होटल में जाकर रहेंगे। सब्र की भी हद होती है, अब होटल के सिवा कोई चारा नहीं। अजी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, हमने फैसला कर लिया है कि किसी होटल में जाके रहें। हमारे मर्दों को भी चाहिए कि हमारा साथ दें। यानी तुम्हारे साथ हम भी बेवकूफ बने। होटल में जाकर रहेंगी, तुम्हारे प्रांतीय विचारों को न तो कोई होटल खुश कर सकता है और न कोई नौकरानी। एक श्यामा मिली थी किस्मत से, जिसने तुम्हें मिलजुल कर रहना सिखाया था, उसे भी तुमने बेइज्जत करके निकाल दिया। लो आखिर आई ना हम पर, हमसे वो नौकरानी अच्छी। उन्होंने कब कहा कि तुमसे वो नौकरानी अच्छी? अब तुम झगड़ा करने पर तुले हो तो कोई क्या कहे। झगड़े की अच्छी गई, ये तो वही बात हुई कि आ रे बैल मुझे मार। मैंने कब कहा कि वो बैल है? हाय हाय, इस तरह कैसे निभेगी? जिस तरह सारी दुनिया निभाती है। कोई एक आदमी की बात नहीं, सारी उम्र निभाना है। मर्द बेचारे तो हर तरह से मजबूर हैं। कहो तो मुश्किल, न कहो तो मुश्किल। जी हाँ, जीत भी मार दूंगी, पट भी मार दूंगी। कसूर तो हमेशा औरतों का ही होता है, खासकर इस घर में। अभी यह रहना मुश्किल है। हमने जो फैसला किया वही ठीक है। मैं तो आज होटल चली जाऊंगी। और हम भी आज क्या अभी। सुरेश घर में अकेले हो क्या है? आज ये सन्नाटा कैसा? बोलते क्यों नहीं? बंधवा सामान, ये खामोशी का आलम क्या माने? पिताजी हमें यहाँ नौकरानी के बगैर बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए हम 5 ने ये सोचा है कि हम किसी होटल में जाकर रहे। होटल में जा रहे हैं? होटल? ऐसा शुभ शब्द और इस घर की बहू की मुँह से किसकी इजाजत से? क्या तुम्हारी सलाह से सुरेश? जी नहीं माताजी, हमने हरगिज़ ये सलाह नहीं की। देखो तो सही, नौकरानी के बगैर जरा सी तकलीफ हो गई तो कौन सा पहाड़ आन गिरा। शरीफ घराने की बहू बेटियाँ दुख सह लेती हैं, लेकिन जबान से उफ तक नहीं करती। अपने घर की मिट्टी अपने हाथों साफ कर डालती हैं, लेकिन होटलों के नाम का कीचड़ नहीं उछालती। देखा देखा अपने किए का नतीजा, रोज रोज का झगड़ा।
और आज तो अपने घर की इज्जत होटलों में नीलाम होने चली है। जरा शांति से काम लो बनारसी बहू, तुम्हें चाहिए घर की इज्जत, इन्हें चाहिए अच्छी सी नौकरानी, मैं दोनों का इंतजाम किए देता हूँ। बेटियों, मेरे वापस आने तक किसी का कदम घर से बाहर ना निकलने पाए। बाबूजी, बाबूजी मुझे तुझे क्या हुआ? बाबूजी मुझे आपसे कुछ कहना है, शायद आपके ध्यान में भी। मेरे ध्यान में कई दिनों से है। बाबूजी मगर वो बात कुछ और ही है, शायद आप नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ बेटे। बाबूजी मैं क्या अर्ज करूँ, बाबूजी आप उसका नाम सुनेंगे तो। तू किसका नाम सुनाना चाहता है? श्यामा का ना? हाँ, उसी के यहाँ जा रहा हूँ। बाबूजी मगर माताजी से तो बात कर ली होती। माताजी से क्यों, पिताजी मैं हूँ या वो? देख किसी से कहियो नहीं, मैं श्यामा के यहाँ जा रहा हूँ। कभी नहीं पिताजी, ये चुप रहे। एक दो तीन चार पाँच, नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। एक दो तीन चार पाँच, नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। मैं समझा था मेरी प्रीत को, मैं जानू या वो जाने, ये तो बन गई प्रेम कहानी जिसको सारी दुनिया जाने। भैया जाने, भाभी जाने, चाचा जाने, चाची जाने, मामा जाने, मामी जाने, सबसे बढ़कर बाबा जाने, बाबा जाने। लेकिन सांच को क्या है आँच, हाँ लेकिन सांच को क्या है आँच। नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। एक दो तीन चार पाँच, नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। ये तो बात बदल गई जैसे रात के बाद सवेरा आया, मेरी उजड़ी फुलवारी में सौ सौ कोई बहारे लाया। अलियां लाया, कलियां लाया, तितली लाया, खुशबू लाया, रंगत लाया, गम्मत लाया, सबसे बढ़कर मालन लाया, मालन लाया। जिसको फूलों की है सब जांच, हाँ जिसको फूलों की है सब जांच। नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। एक दो तीन चार पाँच, नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। मेरे घर में आओगी तुम एक दिन बन के प्यारी दुल्हनिया, तुम्हारे चरणों में रख दूंगा हंस के अपनी सारी दुनिया। चूनर दूंगा, साड़ी दूंगा, टिकली दूंगा, बूंदे दूंगा, झुमके दूंगा, झांझर दूंगा, सबसे बढ़कर दिल ये दूंगा, दिल ये दूंगा। देखो तोड़ न देना जैसे कांच, हाँ देखो तोड़ न देना जैसे कांच। नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। एक दो तीन चार पाँच, नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच। एक दो तीन चार पाँच। बाबूजी, आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा। तो क्या तू हमें पिता समान नहीं मानती? क्यों नहीं पिताजी? श्यामा, मैं एक आशा लेकर आया हूँ, तू मुझे निराश तो नहीं करेगी? रमेश बाबू ने कुछ कहा होगा मेरे लिए। रमेश बाबू क्यों, क्या मुझ में इतनी अकल नहीं? श्यामा जो सच पूछे तो तेरे बगैर हमारा घर, खैर तू आप ही देख लेगी चलकर।
बेटी, अब हमारे घर की लाज तेरे हाथ है। चल बिटिया, मैं तुझे लेने आया हूँ। मुझे लेने आए हैं आप? आप पिताजी, तो चलिए। जरा ठहरिए पिताजी, मैं बापू से पूछ लूँ। हाँ पूछ ले, जल्दी जल्दी आइयो। कितनी अच्छी है बेचारी, अगर इसकी शक्ल भी अच्छी होती तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक। सबके सब बताओ मेरे साथ कौन है? श्यामा। श्यामा, तुम कहाँ थे इतने दिन? तेरे बगैर तो हम परेशान। बरासी बहू। अच्छा हुआ तू आ गई। तो यकीन आया? जी। श्यामा, एक ग्लास पानी लाओ। मेरे लिए लेमन श्यामा, जल्दी लाओ। श्यामा, मेरी साड़ी इस्त्री होने को पड़ी है। श्यामा, मेरा कमरा साफ कर दो जल्दी से। श्यामा, अरे ओ श्यामा, ये जूते पॉलिश कर दो जल्दी से। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जवाब क्यों नहीं देती? मैं जवाब देता हूं। श्यामा अब नौकरानी नहीं, इस घर की बहू बनने आई है। बहू? इस घर की बहू? कौन? ये? हाँ ये, मैं श्यामा से शादी करना चाहता हूँ। श्यामा से ब्याह? ऐसे मामूली लड़की से ब्याह? ये कभी नहीं हो सकता। इसमें हमारी बेइज्जती है, हमारी बदनामी है, हमारे घराने का अपमान है। बेइज्जती, बदनामी, घराना, अपमान, आखिर तुम सब होती कौन हो दूसरों के मामले में दखल देने वाली? रमेश को पूरा पूरा हक है अपने जीवन संगनी पसंद करने का। उस पसंद में हमारी भी राय होनी चाहिए। तुम्हारी राय किस लिए? उसे हर तरह का अधिकार है, जिससे चाहे वो ब्याह कर सकता है। नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे होते हुए ये ब्याह कभी न होगा। अगर ऐसी मामूली लड़की ने इस घर की बहू बनकर हमारी बराबरी की तो क्या होगा? जब देखो झगड़ा, बात बात में झंडा, आखिर इसका अंत भी? अंत भी? तुम्हें तो कोई न कोई बहाना चाहिए, अब अंत भी कर डालो। अगर यही हाल रहा तो करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। एक न एक दिन क्यों? आज ही कर डालो। तुम्हारा मतलब तलाक से है ना? अच्छा, तलाक है तो तलाक ही सही। तो फिर फैसला? हाँ हाँ फैसला। हाँ, हमेशा के लिए फैसला। हाँ फैसला? किस बात का फैसला सुरेश? क्या बात है कांता? मैंने कहा क्या बात है? बात यूं है माता जी, रमेश बाबू श्यामा से ब्याह करना चाहते हैं। जब हमने उसके खिलाफ राय दी तो पांचों के पांचों भाइयों ने हमें तलाक देने का फैसला कर लिया। तलाक? क्यों रमेश, क्या यह सच है कि तुम श्यामा से ब्याह करना चाहते हो? हाँ पिताजी। किसकी इजाजत से, किसकी सलाह से? तेरे दिलो दिमाग में जरूर कोई खराबी है जो अपने माता पिता की इजाजत के बगैर। बनारसी बाबू, जो सच पूछो तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। चुप रहो जी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने की। तुम्हारी वजह से इस घर की यह हालत हुई है आज। रमेश, आखिर तूने इसमें देखा क्या? हम तो समझती थी कि श्यामा बड़ी अच्छी शरीफ और समझदार है। शरीफ और समझदार? शरीफ होती तो अपने मालकों के बेटे पे डोरे न डालती, समझदार होती तो हमारी इज्जत पे हमला न करती, अपना घर आबाद करने के लिए हमारे घर की तबाही पर न तुल जाती। कहाँ है वो कमीनी? बस बस माँ, मैं श्यामा के बारे में बुरे शब्द नहीं सुन सकता। हम एक दूसरे को ब्याह का वचन दे चुके हैं,
वचन दे चुके हैं। अरे अरे, तूने कभी उसे गौर से देखा भी है? श्यामा जैसी बदशक्ल और बदसूरत लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। आपके घर में न सही, लेकिन भगवान के दिल में उसके लिए बहुत बड़ी जगह है। वो जिन्हें सूरत नहीं देता, सीरत देता है। माताजी, आपकी आंखें जाहिर रंग रूप देखने की आदी हो चुकी हैं, लेकिन दुनिया में सीरत, नेकी, भलाई और पारसाई की असली खूबियां जाहिरी रंग रूप की चमक दमक और शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा है। श्यामा उन असली खूबियों की जीती जागती तस्वीर है। बक बक मत कर, निर्लज्ज, बेहया, बेअदब। माताजी, मैं कुछ भी हूँ पर उसी का हूँ। अब श्यामा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। श्यामा, श्यामा, खबरदार जो उसके पीछे गया तो। ठहर, रुक जा, मैंने कहा रुक जा। अरे गजब हो गया, ये तुमने क्या किया? हे भगवान! सुरेश, मुकेश, ले चलो रमेश को इसके कमरे में। गणेश, नरेश, मां को ले जाओ उसके कमरे में। बाबूजी, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई? तुझे बड़ी जबरदस्त चोट आई है। ओह, कितना गहरा जख्म! बाबूजी, मैं अच्छा भला हूँ। ये देखिए, जरा सी खराश है और फिर ये खून नहीं, ये तो कत्था है। आपने तो देखा ही था। मैंने तो सब कुछ देखा था बेटे, पर तेरी माँ ने कुछ भी नहीं देखा। अरे कोई आ रहा है। रमेश, आंखें बंद, सांस भारी, तू बेहोश पड़ा है ना? बिल्कुल नहीं। कह जो दिया, तू बेहोश पड़ा है। सुरेश, लाना जरा आयोडीन की बोतल। आयोडीन नहीं, लाल स्याही की बोतल। ओहो, कितना खून बह रहा है। ओहो, हटो, देख रहे तो मेरे लाल को। तुम इस कमरे के अंदर ना आना, तुमसे रमेश की हालत देखी ना जाएगी। लड़को, ले जाओ ना यहाँ से। सुरेश, फोन करके डॉक्टर को फौरन बुलवा लो। कहाँ जाना चाहता है? श्यामा को ढूंढने। अभी श्यामा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारा नाटक चल निकला तो तेरी माँ आपसे आप कहेगी कि बुलवाओ भगवान के लिए, बुलवाओ श्यामा को जल्दी। ओहो, खून थमता ही नहीं। अरे, फोन किया या नहीं डॉक्टर को? जी किया था, वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? तो खैर, मैं दूसरे डॉक्टर साहब को जो नए आए हैं उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। क्या नाम उनका? डॉक्टर उपेंद्र। इन्हें ले जाओ ना यहाँ से। आप भी जाओ सबके सब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं हूं लाला खुशहाल चंद। उपेंद्र, मैं जानता हूं कि तुम डॉक्टर नहीं, मगर इस वक्त यहां बात ही कुछ ऐसी है। मैं जैसे कहूं मेरी हां में हां मिलाते जाओ, समझे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रमेश की हालत बहुत खराब है। हाँ हाँ, वही छोटे बाबू, एक्सीडेंट ही समझो भाई। खून थमता ही नहीं, जख्म काफी गहरा है। जी, आप फौरन तशरीफ ला रहे हैं? बड़ी मेहरबानी। क्या कहा आपने? दूसरा सामान आप अपने छोटे डॉक्टर के हाथ मंगवा लेंगे? खुद सिर्फ बैग लेकर आ रहे हैं? अच्छा भाई, जल्दी कीजिए, मेहरबानी। औलाद का दुख दर्द भगवान किसी को न दिखाए। क्यों बेटी? ना मैं किसी की बेटी, ना किसी की बहू। अब मुझे किसी का विश्वास नहीं रहा। है श्यामा, तेरे मुंह से ऐसी बातें, आखिर हुआ क्या? मेरी आंखों से पर्दा हट गया। तुम ठीक कहते थे बाबू कि हमें ऊंचे महलों पर नहीं, छोटी झोपड़ियों पर नजर डालनी चाहिए। साफ साफ क्यों नहीं कहती? लाला जी आप आकर ले गए थे तुझे, फिर क्या हुआ? रमेश से शादी की बात? रमेश से शादी की बात का नाम ना लो। मेरे उसकी शादी से लाला जी का घर तबाह हो जाएगा। रमेश की माता जी और पांचों भाभियां मुझे अपने घर के लायक नहीं समझती। न समझे तो न सहे, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी। अगर ऐसा ही है तो फिर इतनी दुखी क्यों होती हो? इसलिए कि रमेश मुझसे ब्याह करने पर तुले हैं, पर मैं लाला जी के घर की बर्बाद नहीं देख सकती। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम वो
कहीं दूर चले जाए जहां रमेश न पहुंच सके। आखिर कितनी दूर जा सकते हैं? जब तक हम यहां से निकलेंगे वो आ पहुंचेंगे और तू उन्हें देखते ही फिर फिसल जाएगी। तुम ये बताओ बाबू, मैं क्या करूं? अब तो एक ही सूरत हो सकती है कि तुम किसी दूसरे से ब्याह कर लो। ब्याह के बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। पर इन दिनों शादी ब्याह का मुहूर्त निकलता ही नहीं। तो क्या हुआ? तीर्थ स्थान पर तो हमेशा ब्याह हुआ करते हैं। मैं नासिक चली जाऊंगी। नासिक? नंदो चल जल्दी आ मेरे साथ। कहाँ? नासिक। किस लिए? शादी के लिए। किसकी शादी? किसके साथ? तेरी शादी मेरे साथ। मेरे साथ? नहीं नहीं श्यामा, ज्यादा बात ना कर, चल मेरे साथ। आइए डॉक्टर साहब। ये सफर का सामान किस लिए? तुमने तो कहा था बैग ले आना। मैंने तो छोटा बैग कहा था डॉक्टर वाला। इसमें ऑपरेशन के सारे औजार लाए हैं आप? हाँ। आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखो उपिंद्र, न तुम डॉक्टर और न रमेश बीमार, हम एक खास बात के लिए नाटक खेल रहे हैं। सुनो, पहले नर्स तो देखिए डॉक्टर साहब। नर्स? नाड़ी। नाड़ी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान के लिए जाओ यहां से, बेटियों ले जाओ इन्हें। क्या देखते हो? नब्स। हाथ तो ऊपर है। डॉक्टर साहब नब्स कैसी है? नहीं मिलती तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा। तो अपने छोटे डॉक्टर को फोन करके ऑपरेशन का दूसरा सामान मंगवा लो जल्दी। लेकिन किससे फोन करूं? कोई सा नंबर भी मिला लो और जो आए उससे बात कर डालो। ऑक्सीजन, पेंसिल, इंजेक्शन, ऑपरेशन, नर्सिस, क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह। बस बस, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। डॉक्टर उपेंद्र, सुनिए डॉक्टर सन्याल, डॉक्टर सन्याल सुनिए, मैं जो जो चीजें कहता हूँ वो लिख लेना और लाला खुशाल चंद जी के घर फौरन ले आना। हेलो, कौन छो भाई? छह ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 600 टन इजिप्शियन रुई। अरे खरीदो भाई खरीदो। 90 करोड़ यूनिट्स पेनिसिलिन। क्या कहा? पेनिसिलिन? ये भी कोई अच्छा सौदा होगा। खरीदो भाई खरीदो। इंजेक्शन की सिरिंज। क्या कहा? इंजेक्शन सिरिंज? नहीं भाई नहीं, कॉटो नंबर 6 बंद करो पागल। हाँ हाँ वही इंजेक्शन की बड़ी सिरिंज, ऑपरेशन के दूसरे औजार, भरपूर क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाले दो डॉक्टर्स। ठहरो। चार नर्सें। क्या कहा? चार नर्सें? अरे भाई क्यों माथा बो रहा है? चुप्पे गधे। हाँ वो भी दो भेज दो, मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, समझे? डॉक्टर साहब बचाइए मेरे लाल को, बचाइए। डॉक्टर इलाज तो उसे थोड़ी देर के लिए ठीक कर देगा, मगर उसका असली इलाज तो आपके अपने हाथ है। तो बताइए डॉक्टर साहब, मैं अपनी जान देकर भी वो करूंगी। तो बुलवा क्यों नहीं लेते उस लड़की को जिसका नाम ले लेकर तड़प रहा है आपका बेटा? आपका मतलब श्यामा से है डॉक्टर साहब? श्यामा? हाँ हाँ श्यामा, बुलवा लो उसे। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? सब बुलवाओ श्यामा को और मेरे लाल के जान बचाओ। हाँ हाँ सुरेश जाओ ना, ले आओ श्यामा को जल्दी। ड्राइवर को उसके घर का पता मालूम है, पर बाबूजी वो हमारे कहने से थोड़ी आएगी इस घर में इन सब के बर्ताव के बाद। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ भी चलेंगे। अरे जाओ ना फिर जल्दी से जिसे जाना है, यहाँ पल-पल भारी हो रहा है मेरे बच्चे की जान पर। श्यामा इसी घर में रहती है ना? तुसी कौन? पुलिस वाले? नहीं रमेश बाबू के भाई। कहाँ है श्यामा? वो तो नासिक चली गई ब्याह करने। ब्याह करने? नासिक? चलो स्टेशन। श्यामा कहाँ है? वो तो नासिक चली गई। ड्राइवर स्टेशन चल जाती, मगर नासिक की गाड़ी तो गई है। हाँ ठीक है हम नासिक जाएंगे। क्या सोचते हो? गाड़ी चलने वाली है, बैठो। कहाँ जाओगे? नासिक। पहले शादी करने जा रहा था, अब वहां जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित लूंगा। रमेश रमेश वो आ गए। आंखें बंद, सांस भारी। बेटी रमेश के पास, अब उसकी जिंदगी तेरे हाथ है। रमेश रमेश क्या हुआ तुम्हें? क्या अभी तक
बेहोश है, खून बंद नहीं हुआ। आप डॉक्टर हैं या? जाओ, कहो कहो। डॉक्टर साहब, गुस्सा न कीजिए, आइए बाहर चलकर मशवरा करें। डॉक्टर साहब, नहीं ये बात। रमेश, 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 रमेश। रमेश, तुम्हें क्या हो गया था? मुझे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी आवाज ठीक हो गई श्यामा। रमेश, 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 सचमुच मेरी आवाज ठीक हो गई, मेरी आवाज ठीक हो गई रमेश। मगर इतना बड़ा ढोंग किस लिए? ये तुम्हारे लिए, माताजी से मनवाने के लिए, भाभियों के मंजूरी के लिए, तुम्हें वापस लाने के लिए। चलो हटो। रमेश, मुबारक, मुबारक, भारतीय शब्दकोश मंडल की तरफ से तुम्हें पहला इनाम मिला है। ये देखो उनका तार, और ये तुम्हारा शब्दकोश। देखिए पहले कौन सा शब्द निकलता है। भाई वाह, ब्याह, विवाह, शादी, निकाह, विवाह, बे, ब्याह, लगन, लग्न, माधुवे, पेंडली, कल्याणम। तीन बत्ती चार रास्ता, तीन दीप और चार दिशाएं, तीन दीप और चार दिशाएं, जुदा जुदा रास्तों से आए, जुदा जुदा रास्तों से आए, एक मंजिल पर मिल मिल जाए, एक मंजिल पर मिल मिल जाए, तीन दीप और चार दिशाएं। जिसके नूर से चारों रोशन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जगमग जगमग कर दिखलाए, देख के तारे भी शर्माए, ओ, 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 चांद सूरज वो जो मने आए, वो जो मने आए, वो जो मने आए, तीन दीप और चार दिशाएं। घर तर आंगन ऐसे उजले उजले, दर्पण जैसे दर्पण जैसे दर्पण जैसे, दिल के दिल से तार मिलाए, लहक लहरिया रंग जमाए, ओ, उसमें दुल्हन की छाप दिखलाए, ओ छाप दिखलाए, ओ छाप दिखलाए, तीन दीप और चार दिशाएं, एक मंजिल पर मिल मिल जाए। सुनो जी हिंद निवासी, कहो कहो जी भारतवासी, दिल्ली से मदुरास मिला दो, बम्बई से कलकत्ता दिला दो, शिमले से तुम बात करो जी, लखनऊ पर ना रात करो जी, बेंगलोर से कटक मिलाना, नागपुर शिलोंग दिलाना, मथुरा मिला दो जामनगर से, जयपुर को भगवाड़ा शहर से, पहले पूना दे दो, पूना पूना पूना, पटना पटना, कौन है बीच में हटना हटना, अहमदाबाद इंदौर मिलाना, राज महेंद्री राज दिलाना, हाँसी हाँसी झांसी देगा, दे तो दिया क्या फांसी देगा, तीन मिनट हुए बंद करो जी, बंद करो जी, हाँ हाँ बंद, ये छंद करो जी, हो आओ मिलजुल के नाचे गाए, ओ नाचे गाए, ओ नाचे गाए, I'm gonna make you mine.